देश के सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट हाउस में से एक सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन हो गया। वो लंबे अरसे से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। एक वक्त था जब सुब्रत रॉय के इर्द गिर्द नेता, अभिनेता, कारोबारी और खिलाड़ी सब रहते थे। सुब्रत रॉय ने किन लोगों की मदद नहीं की, हजारों लोगों को नौकरियां दी तो लाखों को सपने दिखाए। लेकिन वो कहावत है ना कि असली दोस्तों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है, कुछ ऐसा सुब्रत रॉय ने अपने आखिरी दिनों में देखा। जैसे ही सुब्रत रॉय का डाउनफॉल शुरू हुआ, वो रुका नहीं और एक एक कर उनके सारे करीबी दूर होते गए। हम आपको बता रहे हैं आखिर वो क्या मामला था जिसके बाद रॉय का डाउनफॉल शुरू हुआ। एक वक्त था जब सहारा ग्रुप की 4000 से ज्यादा कंपनियां खड़ी हो गई थी। इनमें से 4 तो शेयर बाजार में लिस्टेड भी थी। सहारा ग्रुप सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर भी रहा। यही नहीं, सहारा ग्रुप ने लखनऊ में सहारा शहर भी बसाया, सभी तरह की लग्जरी से लैस। इसमें हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्ट, थिएटर से लेकर कई पेट्रोल पंप तक थे। सुब्रत रॉय ने मुंबई में टाउनशिप भी बनाई। देखते ही देखते सुब्रत रॉय ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके कई पीढ़ियों तक ढहने का सपना भी नहीं देखा जा सकता था। लेकिन ऐसा उनके सामने ही हो गया। बात 1996 की है। सहारा की नाव ने पहली बार हिचकोले तब लिए जब प्रसेनजीत सिंह नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर उनके कारोबार पर पड़ गई। उस समय तक सुब्रत रॉय हवा में उड़ रहे थे, उनके काफी ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इस अफसर ने जब सुब्रत रॉय से बेशुमार दौलत को लेकर जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ नेताओं के नाम आगे रख दिए। मामले में नेताओं को भी अपनी पोल खुलने का डर था, लिहाजा इंक्वायरी करने वाले इनकम टैक्स अफसर का ही सुब्रत रॉय ने ट्रांसफर करवा दिया। ये सारी कहानी इतिहास के पन्नों में और पुराने अखबार की सुर्खियों में दर्ज है। तब उन्हें लगा कि शायद बला टल गई, लेकिन उनके राहत के दिन लंबे नहीं रहे। साल 2008 में दोबारा सहारा के बुरे दिन शुरू हुए, फिर इस सिलसिले ने थमने का नाम नहीं लिया। इसके बाद आया साल 2010, जब शेयर बाजार नियामक सेबी ने उन पर किसी भी और कंपनी के नाम पर निवेश लेने से रोक लगा दी। यहीं से सहारा के दिन खराब शुरू हुए। वो जेल तक गए, उनका केस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, जिसके बाद उन्हें जमानत भी मिली। निवेशकों का पैसा लौटाने की तलवार ग्रुप पर आज तक लटकी हुई है।